नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। 28 फरवरी यानी आज संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व होता है। आज के दिन बुद्धि, ज्ञान और धन वैभव के देवता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, इन लोगों पर गणपति की कृपा बरसेगी। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। सबसे पहले है मेष राशि। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गणपति की कृपा से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इन राशि के लोगों को नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। मेष और राशि वालों की आर्थिक स्थिति में पहले से अधिक सुधार आएगा। गणपति जी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। इस राशि के जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव करने के प्रयास में थे, उन्हें जल्द अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए मुश्किल भरे दिन आज से खत्म हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए ज्यादातर कार्य सफल होंगे। सिंह राशि के लोगों को व्यापार में खूब सफलता मिलने वाली है। आप कोई भी फैसला लेंगे बहुत बुद्धिमानी से लेंगे। इस राशि के लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी। गणपति की कृपा से आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इन राशि के लोगों के आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। इसके बाद है तुला राशि। संकष्टी चतुर्थी के दिन तुला राशि के लोगों का भाग्य खुल जाएगा। आपको करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आर्थिक लाभ भी मिलने की उच्च संभावना है। तुला राशि के कुछ लोगों को आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ेगा। तुला राशि के लोगों को कहीं से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी किस्मत जल्द ही चमकने वाली है। इस राशि के कुछ लोगों के विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। गणपति की कृपा से आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।